हाय एवरी वन वेलकम टू जेके एस एस बी और सीजन फोर आज हम क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक एवरेज के ऊपर जो कि जेके एस एस बी ने पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं प्रीविशियसियर क्वेश्चंस चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो असिस्टेंट कंपाइलर हो चाहे फोर्थ क्लास हो तो किस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ तो मेरा पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ एटी नंबर इज टू देखो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो मैंने ये पूरी वीडियोस आपको पढ़ाई हुई है ठीक है अभी मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स ठीक है आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर द एवरेज रिमेंस द सेम फाइंड द नंबर विच इज एक्सक्लूडेड रहा है जो एवरेज एटीन सेवन नंबर की वो कितनी देख के रखी है मुझे टू थर्टी थ्री नंबर देख के रखी है आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है माइनस करना इंक्लूडिंग का मतलब होता है ऐड करना ये आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाया था मैंने वन ऑफ द नंबर्स ठीक है उनमें से एक नंबर मैंने निकाल दिया तो जो मेरी एवरेज है जब मैंने एक नंबर निकाल दिया तब भी मेरी एवरेज सेम ही रही तो फाइंड द नंबर विच इज एक्सक्लूडेड तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था ए प्लस एनडी फॉर्मूला याद है ना ए आ गई आपकी फर्स्ट एवरेज ए आती है आपकी फर्स्ट एवरेज ये यहां पर लगेगा इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले पे लगेगा ए प्लस एनडी एंड होता है फाइनल नंबर फाइनल नंबर एट लास्ट मतलब कि इंक्लूड और एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास जो फाइनल नंबर बचे वो है एन की वैल्यू डी होती है डिफरेंस इन एवरेज डिफरेंस इन एवरेज मतलब यहां पे एवरेज पहले कितनी थी टू थर्टी थ्री थी और जब इंक्लूड एक्सक्लूड हो गया तो उसके बाद जो एवरेज बची तब भी क्या आ रही है सेम ही आ रही है तो यहां पे भी टू थर्टी थ्री ही होगा एवरेज सेम बची तो यहाँ पे ये यह हो गया इनका डिफरेंस ठीक है ये आया d ये है d की वैल्यू तो देख लेते हैं a आती है फर्स्ट एवरेज फर्स्ट एवरेज मेरे पास कितनी देके रखी है 233 तो 233 पुट किया एन n आ गया फाइनल नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद मेरे पास ओरिजिनल नंबर कितने थे 87 अब एक नंबर कम हो गया तो 87 में से एक नंबर कम हो गया तो यहां पर कितना बचा है एटी सिक्स मल्टीप्लाइवर डी डी डिफरेंस इन एवरेज पहले मेरी एवरेज थी टू जब एक नंबर मैंने निकाल दिया तब भी एवरेज मेरी सेम ही बची सेम बची मतलब 233 ही बची तो यहां पे इसको और इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आया जीरो तो मल्टीप्लाई बाय जीरो डिफरेंस इन एवरेज कितना है जीरो का तो ये कितना हो जाएगा 233 प्लस अगर हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर भी जीरो ही आता है तो टू थर्टी प्लस जीरो कितना होता है टू थर्टी थ्री तो दैट इज आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूछा था क्वेश्चन जेके एस एस पी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था क्वेश्चन ठीक है अब आपको पता है जूनियर असिस्टेंट का पेपर ऑनलाइन हुआ तो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे थे ये आपका आ गया कोई पहली शिफ्ट का होगा जो अगला क्वेश्चन था वो उसकी अगली शिफ्ट का पूछ लिया तो अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कैसा है बस सिर्फ वैल्यू ही चेंज किए बाकी मीनिंग सेम रहा द एवरेज ऑफ 91 नंबर इज 237 91 मेरे पास नंबर थे और उनकी एवरेज थी टू थर्टी सेवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर द एवरेज रिमेन सेम आज एवरेज सेम है अगर एवरेज सेम है तो टू थर्टी सेवन और टू थर्टी सेवन डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा दैट मीनस जो आंसर होगा वो आपका टू थर्टी सेवन ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट से तो अब देख लेते हैं टू थर्टी सेवन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ए प्लस एनडी लगा देता हूं मैं आपको ए प्लस एन डी ए आ गई फर्स्ट एवरेज दैट इज टू थर्टी सेवन मल्टी प्लस एन आ गया इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद ओरिजिनल नंबर थे 91 अब एक नंबर कम हो गया एक नंबर कम हो गया तो आपके पास नंबर कितने बचे 90 मल्टीप्लाई डी डिफरेंस इन एवरेज पहले ना एवरेज थी आपके पास 237 और बाद में एक्सक्लूड होने के बाद भी एवरेज आपकी सेम ही बची मतलब 237 ही बची तो आपका ये डिफरेंस है वो कितना है जीरो का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जीरो कर दिया तो टू थर्टी सेवन प्लस जीरो दैट इज टू थर्टी सेवन आपका फाइनल आंसर आ गया देखो कैसे मैं पांच पांच दस दस सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बट अगर इसी क्वेश्चन को अगर जनरल मेथड से करोगे ना तो आपकी देखो सबसे पहले आपका क्या आता है नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इजिक्स टू सम निकलता है जब भी आपके पास नंबर हो और एवरेज दी हो आप उनको मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हो तो नाइन्टी वन मेरे पास नंबर है और एवरेज कितनी है टू थर्टी सेवन और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहोगे तो तब तो यार जितने में मैं ये ऐसे वाले मेथड से अगर चार पांच क्वेश्चन आएंगे ना तो वो मैं आपको कर सकता हूँ चार पांच क्वेश्चन भी कर दूंगा तब आपसे ये मल्टीप्लाई होगी ठीक है या तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तब आप इस मेथड से आप कर सकते हो नहीं तो ए प्लस एनडी इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा था द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 65 फाइव इंप्लॉयज इज एटी जो एवरेज देख के रखी है 65 फाइव इंप्लॉयज है उनकी है 87 सेवन के जी एवरेज देख रखी है ठीक है तो मेरे पास नंबर कितने हैं 65 और एवरेज कितनी है 87 फिर आगे बोलता है इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड अब एक मैनेजर है वो इंक्लूड हो गया किसमें इंप्लॉयज के अंदर तो टोटल तो नंबर थे मेरे पास 65 अब एक मैनेजर आ गया तो अब मेरे पास फाइनल नंबर कितने बजे इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद सिक्सटी सिक्स हो गए ठीक है देन द एवरेज इंक्रीजिस बाय वन के जी अब याद रखना यहां पे जब भी ये इंक्रीज बाय वन के जी डिक्रीज बाय वन के जी हो तो दैट मीन्स ये बात कर रहा है आपका डिफरेंस ये आ जाए एक है ना एक आपका क्या है डिफरेंस है मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कैसे आएगा देखो ए प्लस एन डी लगाते हैं ए प्लस एन डी लगा लेते हैं ए आ गई फर्स्ट एवरेज फर्स्ट एवरेज आपके पास कितनी है एट्टी सेवन है नंबर कितने हो गए इंक्लूड होने के बाद सिक्सटी फाइव तो एम्प्लॉय थे एक मैनेजर आ गया दैट दिक्सटी सिक्स हो गए और डी डी होता है डिफरेंस इन एवरेज देखो पहले मेरी एवरेज कितनी थी एट्टी सेवन थी और उसने बोला जब मैनेजर इंक्लूड हो गया तब मेरी एवरेज जो है ना वो एक इंक्रीज होगी तो पहले अगर एट्टी सेवन थी अब आज एक इंक्रीज होके मेरी एवरेज कितनी हो जाएगी एट्टी एट हो जाएगी तो मुझे डी चाहिए डी होता है डिफरेंस इन एवरेज तो डिफरेंस इन एवरेज देखो 87 सेवन है एटी एट डिफरेंस इन एवरेज कितना है वन इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये वन है ये शो कर रहा है आपका क्या डिफरेंस तो यहां पे मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा वन तो 87 सेवन प्लस सिक्सटी और इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा दैट इज वन दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वन देखा कैसे मैंने क्वेश्चन किया विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जूनियर असिस्टेंट में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा होगा हाँ अगला क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं पहले ये क्वेश्चन देखते हैं द एवरेज ऑफ एटीन एंड नंबर इज टू थर्टी फाइव आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर द एवरेज रिमेन सेम तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करो कि इसका आंसर क्या रहेगा ठीक है जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे उसी टाइम आपका आंसर माइंड में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहेगा ठीक है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर पक्का दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा था जेके एस एस बी फोर्थ क्लास के अंदर द एवरेज वेट ऑफ एट बॉक्स इज इंक्रीज बाय टू प्वाइंट फाइव के जी जो एवरेज वेट है आठ बॉक्स का वो इंक्रीज होता है टू प्वाइंट फाइव के जी एट बॉक्स मतलब एट मेरे पास नंबर है और एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है 2.5 पॉइंट के जी एवरेज मेरी इंक्रीज हो रही है तो ये कितना हो जाएगा आठ पांच कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा आठ दो सोलह सोलह चार बीस सॉरी यहाँ पे एट इंटू फाइव फोर्टी होता है तो ये आगे जीरो चार कैरी हो जाएंगे और आठ दो सोलह सोलह चार बीस तो, तो दैट इज कितना इंक्रीज हुआ ट्वेंटी के इंक्रीज हुआ मेरा ठीक है उससे मतलब इसके अंदर कुछ गुड्स एड हो जाते हैं ठीक है एक बॉक्स के अंदर तो बताओ द वेट ऑफ गुड्स एडेड टू द बॉक्स तो यार यही जो हुआ ना ये वाला बेट यही हमारा फाइनल आंसर है दैट मीन्स 20 के जी इसका क्या होगा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन फोर्थ क्लास के अंदर आपको दे दिया था ठीक है तो आई होप कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहां पे आपको स्टॉक असिस्टेंट के अंदर ही मिले क्योंकि फोर्थ क्लास का सिलेबस और स्टॉक असिस्टेंट का मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम ही है कुछ तो ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में द एवरेज ऑफ 189 एटी नाइन लैफ रीडिंग वाज एट्टी यूनिट मेरे पास 189 मेरे पास नंबर थे और उनकी एवरेज थी 85 यूनिट ठीक है तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा सम क्योंकि अगर मेरे पास नंबर है एवरेज है तो वहां से हम उसको मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं बाद में ये बोला गया लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट ए रीडिंग टू वॉज रॉन्गली टाइप एज 85 देखो भाई यहां से आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि लेटर इट वॉज फाउंड दैट या मिस रीड एज ठीक है तो आपके पास एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू पक्का दी होगी ट्रू वैल्यू क्या बोल रही है लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 274 सेवनटी फोर रीडिंग वॉज रॉन्गली टाइप एज एटी मैंने टाइप करना था 274 सेवेंटी बट गलती से मैंने उसको 85 टाइप कर दिया ठीक है देखो अब मैंने गलती से 85 टाइप कर दिया मतलब मुझे अब नंबर मिलेंगे मैंने कितने नंबर जो है वो मिस कर दिए तो आप देखो 274 और 85 को माइनस करो आपने मिस कर दिए 189 ठीक है ये 189 आपने सम जो है ये आपको मिलना था बट आपको गलती से आपने 85 ले लिया इसकी जगह तो 189 अभी मुझे मिलना है दैट मीन्स मिलना है तो मैं प्लस कर दूंगा इसको अगर प्लस कर दिया तो ये मेरे पास आया सम तो एवरेज कितनी होगी मेरी फिर एवरेज मुझे कितनी कम मिली थी जो कि मुझे मिलनी चाहिए अभी तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगी यहाँ पे एवरेज uh, का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन नंबर तो सम कितना आया मेरे पास 189। ये ये वाला सम है इनको डिफरेंस करके ये वाला सम नहीं है ये आपके पास नंबर है और ये जो मैंने निकाला ये सम निकाल रहा हूं और डिवाइडेड बाय नंबर नंबर मेरे पास आया ओरिजिनल कितने वन 189 ये और ये कैंसिल होके मेरे पास कितना आ गया वन अगर ये प्लस है ये मुझे मिलने थे तो ये भी मेरी एवरेज प्लस वन मतलब प्लस वन मुझे एवरेज मिलनी थी अभी जो कि मुझे नहीं मिली थी तो मेरी करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगी देखो पहले ओरिजिनल एवरेज कितनी थी 85 और प्लस उसमें मैंने एक जोड़ दिया तो अब मेरे पास कितनी हो जाएगी एट्टी हो जाएगी दैट इज फाइनल आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा एट्टी हो जाएगा लगा पता मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट होना था कैलकुलेशन करते मैंने बस एक कंसेप्ट ले लिया ट्रू और फॉल्स वैल्यू का ये आपका फर्स्ट स्टेप था स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने क्या किया एक ट्रू वैल्यू और फॉल्स वाली देख ली ठीक है फिर मैंने क्या किया उसमें से एवरेज निकाल दी उसकी कि मेरी एवरेज कितनी कम मिली होगी मुझे तो मैंने निकाल ली मेरे पास एक एवरेज मुझे कम मिली थी जो कि मुझे अभी मिलनी चाहिए थी ठीक है तो करेक्ट एवरेज कितनी होगी 86 सिक्स प्लस वन ठीक है तो यहाँ पे 86 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बस उसने क्या किया बस वैल्यू चेंज कर दी है देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है? अब देखो। बोरा एक मेरे पास ट्रू वैल्यू थी एक मेरे पास फॉल्स वैल्यू है ट्रू वैल्यू थी मेरे पास टू सिक्स और मेरे पास फॉल्स वैल्यू थी एटी सिक्स ठीक है तो देखो मैंने गलती से 86 ले लिया मतलब मैंने कितना नंबर यहाँ पे कम लिया जो मुझे मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए नंबर यहाँ पे 190 नंबर मुझे मिलेगा इसका और इसका डिफरेंस ही चेक करना आपने ठीक है मतलब जितना डिफरेंस आएगा मतलब वो वैल्यू मुझे अभी मिलनी चाहिए थे, वो नंबर अभी मुझे मिलने हैं ठीक है तो वन नंबर अभी मुझे मिलने हैं तो दैट इज ये क्या है ये आ गया एज्यूम करो इसको सम तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है सम अपॉन नंबर सम कितना है मेरे पास 190 ये वाला जो मुझे अभी मिलना है तो मैंने प्लस लगा दिया अपॉन में नंबर नंबर आपके पास स्टार्टिंग में कितने हैं 190 तो ये और ये कैंसिल होके प्लस वन मतलब मुझे एवरेज कितनी मिलेगी अभी ए, एक एवरेज मुझे मिलेगी तो एवरेज पहले एट्टी थी ओरिजिनल और एक एवरेज अब मुझे मिल जाएगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 87 सेवन दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लगा पता अगर समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक पक्का करना अब ये क्वेश्चन फोर्थ क्लास के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया भी है क्वेश्चन तो ये भी आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं आपकी जो स्पीड है वो किस तरह से है ठीक है आपकी तैयारी किस तरह से है ठीक है जो भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देगा तो उसका अगली वीडियो के अंदर नाम मेंशन कर दूंगा मैं ओके अब ये क्वेश्चन जैसे ही दिखने को इतना टफ लग रहा ना उतना ही इजी कर दूंगा इस क्वेश्चन को द एवरेज ऑफ थर्टीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज फाइव सेवेंटी फोर एक मेरे पास टोटल तेरह नंबर है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह वो रहा है कि ये मेरे पास थर्टीन नंबर्स हैं और इनकी एवरेज फाइव हंड्रेड सेवेंटी फोर है तो मैंने क्या बोला कि इन तेरह का सम पता चल जाएगा मुझे इन तेरह नंबर को जोड़ के मेरे पास क्या वैल्यू आई सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर और एवरेज आपके पास कितनी है 574 और नंबर कितने आपके पास 13 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी यहां पे ठीक है इसको मैं करता हूं v1 ठीक है अब देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उसने नेक्स्ट लाइन इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर इज अब बोल इस तेरह में से यो पहले one, two, three, four, five, six, ये पहले छह नंबर है दैट इज ये नंबर आगे इनकी जो एवरेज है वो फाइव हंड्रेड सेवनटी वन है तो यहाँ से मैं इनका सम निकाल लूंगा पहले छ का दैट इज वो कितना हो जाएगा नंबर और उसकी एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे मेरे पास आएगी यहां पे बी टू वैल्यू आ जाएगी ठीक है इसको मैंने रेज्यूम किया बी टू मल्टीप्लाई करके बी टू आगे बोलाटी सेवन और लास्ट छ नंबर एक दो तीन चार पांच है? ये छह नंबर है इनकी जो एवरेज है वो फाइव सेवनटी सेवन है तो सिक्स मल्टीप्लाई फाइव सेवन सेवन कर दिए यहां पे वैल्यू बी थ्री आ गई अब उसने बोला फाइंड द मिडल नंबर मिडल नंबर मतलब यो एक ये नंबर बच गया ना इसकी वैल्यू बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई ठीक है अब देखो करना क्या है यो वी वी वन है वी वन है और वैल्यू आपकी जो टोटल है इनको प्लस करके ठीक है तेरह नंबर को जोड़ के आपके पास वी वन आया और पहले छे को जोड़ के आपके पास वी टू आया और लास्ट के छ को जोड़ के आपके पास वी थ्री वैल्यू आई तो आपने क्या करना है V2 को V3 से प्लस कर दो V2 टू प्लस वी कर दो तो आपके पास यहां पे टोटल 12 नंबर का सम आ जाएगा 12 नंबर देखो 6 वाले ये नंबर 6 वाले ये नंबर टोटल 12 नंबर का सम आ जाएगा V2 टू प्लस वी ठीक है अब आपने क्या करना है कि यो ये 13 नंबर थे 13 नंबर में से अगर मैं 12 नंबर माइनस कर दूं, तेरह में से अगर मैं बारह नंबर माइनस कर दो मेरे पास एक नंबर बचेगा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा वो ये वैल्यू होगी मिडल वैल्यू वैल्यू तो आपने कुछ नहीं करना v1 वन माइनस जो भी आपका v2 टू प्लस वी की वैल्यू आई होगी उसको माइनस कर दो वो आपके पास मिडल वैल्यू ये वाला नंबर आ जाएगा ठीक है बट बात तो वहां पे आ आगी ना कि कैलकुलेशन करने पड़ेगी कैलकुलेशन में मुझे टाइम लगेगा बट अब देखो अब मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप पांच से दस सेकेंड के अंदर करके आओगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी देखो फर्स्ट स्टेप में आपने वही लिखना है तेरह नंबर एवरेज फाइव फोर है फिर अगले छः नंबर इसमें से पहले छः नंबर की एवरेज फाइव वन है फिर नेक्स्ट छ नंबर की एवरेज जो है वो कितनी है फाइव सेवन है अब एक मिनट रुकिए थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा देखो स्टेप नंबर वन में हमने क्या करना है कि ये और ये इसकी एवरेज चेक करो मेरी एवरेज ओरिजिनल 574 थी अब 571 हो गई मतलब मेरी ओरिजिनल एवरेज से ए, एवरेज से यहां पे बड़ी है या कम हुई है आपने बोला सर कम हुई है कम हुई है 74 था 71 हो गया तो मतलब कितनी एवरेज कम हुई है माइनस तीन मेरी एवरेज कम हो गई ठीक है स्टेप नंबर फर्स्ट फिर आ गया वही आपका स्टेप नंबर सेकेंड ठीक है आपने इसको और इसको देखना ओरिजिनल एवरेज के साथ थर्ड वाली एवरेज देखो ठीक है 574 था यहां पे 577 हो गया तो आपने देखा कि ओरिजिनल एवरेज से ओरिजिनल एवरेज से मेरी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है आपने बोला सर मेरी इंक्रीज हुई है एवरेज तो मैंने प्लस थ्री लगा दिया ठीक है अब देखो फाइनल आंसर यहां से ही निकल गया आपका ये देखो ये कितना है माइनस का थ्री और ये कितना है प्लस का थ्री हमें क्या करना है इसको और इसको उड़ा दो जब हम इसको ऐड करेंगे माइनस थ्री और प्लस थ्री को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आई यहां पे आपने बोला जीरो आई क्योंकि ये माइनस का थ्री और प्लस का थ्री क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो ओरिजिनल एवरेज आपके पास कितनी थी फाइव सेवेंटी फोर और प्लस में ये आपके पास वैल्यू कितनी आई जीरो तो यहां पे मैंने डाल दिया जीरो अगर सपोज करो यहाँ पे वैल्यू माइनस फोर होती और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे प्लस थ्री होती तो तब मैं इन दोनों को माइनस करता ठीक है ऐड करता तो माइनस फोर और प्लस थ्री तब मेरे पास आती माइनस वन वैल्यू जब माइनस वन आती तो मैं फाइव हंड्रेड सेवेंटी फोर को माइनस वन कर देता हूँ फाइव सेवेंटी फोर माइनस वन कर देता तब वो मेरी फाइनल आंसर होना था तो ये मेरे पास देखो फाइव सेवेंटी फोर प्लस जीरो कितना हो जाएगा फाइव सेवेंटी फोर ट मीन्स जो ये मिडल वाली वैल्यू थी इसका आंसर था 574 तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर फिर देखते हैं कि कैसे आपको धीरे धीरे समझ आना लगेगी इलेवन कांज्यूटिव नंबर की एवरेज 572 सेवनटी टू है तो इलेवन मेरे पास नंबर है जिसकी एवरेज 572 है ठीक है फिर बोलता उसमें से पहले छः नंबर की एवरेज मेरे पास फाइव है फिर लास्ट के छ नंबर की एवरेज मेरे पास 575 है अब एक मिनट पेन चेंज करने दो ठीक है अब देखो वही स्टेप नंबर वन इसका और इसका डिफरेंस देखना हमने ठीक है ये एवरेज यहां पे 72 है यहाँ पे 69 होगी 572 मेरी ओरिजिनल है बाद में 569 होगी दैट मीन्स एवरेज कम हुई है कितनी एवरेज कम हुई है आपने बोला माइनस तीन एवरेज मेरी कम होगी फिर वही इसका और इसका भी हम देखेंगे कि क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है 572 मेरी ओरिजिनल थी बाद में 575 एवरेज होगी तो मेरे पास कितने बच गए अब एवरेज इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई आपने बोला सर इंक्रीज हुई कितनी इंक्रीज हुई प्लस तीन इंक्रीज हुई अब ये माइनस का तीन और ये प्लस का तीन कैंसल आउट हो गया तो मेरे पास कितना आया वैल्यू जीरो आई तो ओरिजिनल आपके पास कितना था 572 में प्लस जीरो कर दो तो ये आंसर कितना फाइव सेवनटी टू दैट मींस जो मिडल नंबर है वो 550 हंड्रेड फिफ्टी फाइव आपका राइट right आंसर हो जाएगा लग गया पता अब और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसे धीरे धीरे ठीक है अगर ये वाला मेथड आपने समझना है तो मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियो देख लो जेके एस फोर्थ क्लास की एवरेज की इस टाइप के ऊपर मैंने वहां पे पढ़ाया होगा या जूनियर असिस्टेंट के अंदर भी ये मेथड मैंने पढ़ाया था तो ये आप वहां से पूरी डिटेल के अंदर वीडियो देख सकते हैं मेरी अब ये पूछा था फोर्थ क्लास के अंदर क्वेश्चन द एवरेज ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट इन फिजिक्स इज ट्वेंटी पच्चीस स्टूडेंट्स थे जिनकी एवरेज थी फिजिक्स में ट्वेंटी द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व स्टूडेंट इसमें से जो एवरेज थी पहले बारह स्टूडेंट की वो थी सोलह एंड डेट ऑफ लास्ट ट्वेल्व स्टूडेंट और जो लास्ट के ट्वेल्व स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज थी चौबीस ठीक है अब देख लो भाई वही कंसेप्ट है इसको और इसको देखो एवरेज कितनी कम होगी बीस से सोलह होगी तो मतलब चार कम हो जाएगी फिर बीस से यहाँ पे चौबीस होगी मतलब कितनी ज्यादा होगी चार ज्यादा हो जाएगी ये चार प्लस का और ये चार माइनस का कैंसिल होकर कितना आंसर आया जीरो तो मेरे पास ये नंबर बचा वो कितना होगा मिडल नंबर बीस प्लस जीरो दैट इज आंसर मेरा कितना होगा ट्वेंटी देखो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया नहीं किया और जब आप करोगे तो आपने इसको इसको मल्टीप्लाई करने के एक वैल्यू निकालनी थी इसको इसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू इसको इसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फिर आप इन दोनों की वैल्यू को ऐड करते और जो इसका सम आता उसमें से आप इन दोनों का सम को माइनस कर देते तब भी आपका आंसर बीस ही आना था चेक करके देख लो ठीक है बट मैंने बिना यहाँ पे कैलकुलेशन के आपको इजी ट्रिक बता दी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कैसे क्वेश्चन करने थे आपने अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं आपको जैसे ये क्वेश्चन था जेके एस एस फोर्थ क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था ये द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज 32 टू ईयर मुझे नहीं पता कि कितने यहाँ पे फ्रेंड्स थे बस उनकी एवरेज 32 थी वन मोर फ्रेंड जिसकी एज पच्चीस थी उसने ज्वाइन किया ग्रुप देन हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप इफ द सम ऑफ देयर एज इज टू फोर्टी नाइन मतलब उन सभी फ्रेंड्स का जो सम है वो है टू हंड्रेड फोर्टी नाइन तो बताओ मुझे कितने फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप के अंदर थे तो वो बाय ऑप्शन अगर आप कर लो ना पुट करके वैल्यू पांच छह आठ नौ ठीक है तो तो आपके लिए इजी रहेगा ये क्वेश्चन ठीक है नहीं तो एक्स लेके करना पड़ेगा फिर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा अगर ऑप्शन से पुट करो तो ऑप्शन आपके ठीक रहेंगे ठीक है लगा पता तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए देखता हूं कि कौन इसका आंसर सबसे पहले करेगा कमेंट सेक्शन के अंदर ओके वॉट इट अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर यही क्वेश्चन जो अगले टॉपिक के होंगे जो जूनियर असिस्टेंट में पूछे हों चाहे वो कंपाइलर में पूछे हों चाहे फोर्थ क्लास के अंदर पूछे हों टॉपिक रहेगा मेरा रेशो एंड प्रोपोर्शन रेशो एंड प्रोपोर्शन क्योंकि फिर इसी के अंदर ही रेशो के अंदर ही आपके एजिस वाले कंसेप्ट भी आते हैं तो उसके भी जितने पर विशेष क्वेश्चन पूछे हो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओके गॉट इट सो थैंक यू आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा तो जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो यहां पर इसको क्या करो क्वेश्चन के जो मैंने होमवर्क दिए है उसके आंसर पक्का दिया करो ओके okay? सो so यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो चाहते हो आगे कमिंग में तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें थैंक यू